हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ चुकी हूँ मैं किचन में और ये मैं कर रही हूँ दूध को बॉयल कर रही हूँ, मिल्क बॉयल कर रही हूँ। ये काओ मिल्क है तो मैं अपनी बेटी को देती हूँ ये। और यहाँ पे हम घर में हमारा राशन एक्चुअली कुछ ख़त्म हो गया था तो हम राशन लेके आए हैं, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डब्बों में फिल कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने अभी चने वगैरह ये फिल कर रही हूँ, ये अभी मैंने चने की दाल है। तो ऐसे ही एक्चुअली हम राशन जो है कभी कभी इकट्ठा ले आते हैं, तो कभी कभी जैसे हमें टाइम मिलता है तो हम कभी इकट्ठा ले आते हैं तो कभी अलग से मंगवा लेते हैं जब कोई सब्जी बनानी होती है तो। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे डब्बों में फिल कर रही हूँ। और साइड में हम मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। मैंने जो छोले हैं वो बॉयल करने के लिए रख दिए हैं और अभी उसमें मैं बॉयल करने के लिए डाल रही हूँ नमक डाल दूँगी। तो ये मैंने गैस चला लिया है, यहाँ पे चने रख दिए हैं और मैं अभी इसमें नमक डाल दूँगी। मतलब बाकी क्योंकि बाद में भी हम डाल सकते हैं मसाला जब बनाना होगा, तो इसमें मैं पहले बॉयल करने में मैं पहले कम ही डालती हूँ क्योंकि अगर जितना ज़्यादा कम होगा तो वो बाद में मसाले में पड़ जाएगा। तो मैंने ये 2 चम्मच नमक डाल दी हैं। अब मैं कुकर को थोड़ा ढक्कन लगा लेती हूँ, तो जब तक ये बॉयल होते हैं तब तक मैं अपना जो मसाले का काम कर लेती हूँ, मसाला बना लेती हूँ, इसका ग्राइंड कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं मिक्सी ले रही हूँ, तो मिक्सी में मैंने ये प्याज वगैरह पहले कट करके रख लिए हैं, इसके छिलके जो है उतार लिए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्सी में तो कट करके, क्योंकि एक्चुअली मैं ना सारा काम साथ में करती हूँ। मेरी बेटी जो है वो रोती है तो मेरे को पहले टाइम नहीं मिलता, तो मैं साथ ही साथ वो अभी जैसे उधर खेल रही है तो इधर का मैं काम निपटा रही हूँ फटाफट से, ताकि बस मेरा फटाफट काम ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मुझे जो है आटा भी गूंदना था, तो अब बस मैंने प्याज और टमाटर और इसमें लहसुन डाल दूँगी, अदरक डाल दूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दूँगी। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं अभी कर रही हूँ अपना मसाला जो है वो ग्राइंड कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने मैगी के पैकेट रखे हैं, आपको दिखाए थे जो हमारा राशन आया था उनमें ये साथ लेके आए हैं। और मैंने मसाला जो है वो एक साथ ही पीसती हूँ, उसमें प्याज टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्च जो है वो इकट्ठा उसमें मैं पीस देती हूँ अच्छी तरह से। तो ज़्यादा पतला नहीं करती, थोड़ा मोटा मोटा रखती हूँ ताकि खाने में इसका टेस्ट आए। और ये देखिए मेरे मदर इन लॉ अंदर आए हैं तो देख रहे थे, तो मुझे ना थोड़ी हंसी आ गई कि वो अचानक से अंदर आ गए, वो हंसने लग गए। और यहाँ पे मेरे चने जो है वो बॉयल हो चुके हैं और अभी मसाला जो है वो रख दिया हुआ है, तो उसमें मसाले वगैरह डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं और इसमें गरम मसाला, लाल मिर्च सब डाल रहे हैं। तो इसको चलो पहले इसका मसाला अच्छी तरह से हो जाएगा तो इसको फिर हम उसमें चने में डाल देंगे। तो ये देखिए मसाला पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, इसमें गरम मसाला भी हमने ऐड किया है।
तो ये देखिए मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, और मसाला जो है मैं कुकर में डाल दिया है। तो कुकर में डाल के मैं इसको पहले थोड़ा सा बॉयल करूँगी अच्छी तरह से। बॉयल करने के बाद हमारे छोले जो है वो रेडी है, और मेरी बेटी यहाँ पे उठ गई थी सो के, तो मैं उसी को लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, ये देखो नींद अभी भी इसको आई है। अब मैं रात को थोड़े से फुलके बना रही थी, एक्चुअली चने के साथ जो है वो मैं पूड़ी बनाती हूँ, मुझे ज़्यादातर पूड़ी टेस्टी लगती है। और यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि घर में कहते कि हमने रोटी खानी है पूड़ी नहीं खानी, तो कुछ ने पूड़ी खा ली है और कुछ ने रोटी खा ली है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ही ये रोटी बनाई है, और अपने लिए मदर इन लॉ और बाकी जो मेरे हबी हैं भैया है उनके लिए मैंने पूरी ही बनाई तो है। तो गाइस मैंने बना ली हैं चने, और मैंने आपके साथ रूटीन भी इवनिंग से शेयर करी है, और अभी मैं खाने जा रही हूँ पूरी और चने। क्योंकि कुछ मतलब घर में कुछ लोगों के लिए मैंने चपाती बनाई है क्योंकि उन्होंने पूड़ियाँ नहीं खानी थी, तो अब मैंने और अपने मेरी मम्मी ने अभी जो है पूड़ियाँ खाई है। बाकी मेरे हबी आएंगे तो देखेंगे कि वो क्या खाते हैं। वैसे तो पूड़ी खाएंगे क्योंकि चने के साथ तो रोटी अच्छी नहीं लगती, पूड़ी ही अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए पूड़ी ही बनाई है, और मैं करने जा रही हूँ डिनर। तो ये है गाइस पूड़ी चने, लीजिए आप भी खा लीजिए। और अभी मैं करने जा रही हूँ डिनर, तो मिलते हैं डिनर करने के बाद। तो मैंने कर लिया है डिनर, और ये देखिए ये क्या कर रही है, मस्ती कर रही है। सुकिरत 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 तो ये कर रही है मेरे साथ मस्ती। अभी मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा आराम से। तो गाइज आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। ये देखिए बस लगी पड़ी है रिमोट को लेके, कभी तीथर मुंह में डाल रही है, कभी कुछ अपना लगी हुई है मस्ती में है, ये तीथर डाल रही है मुँह में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय सुकिरत बाय। गंदा बच्चा, गंदा मिला, गंदा। ये देखो सुकिरत सुकिरत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।